औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पीटीवी से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, इस नशरियात के ज़रिए हम कोशिश करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू करें। आज भी एक ख़ास मौजू होगा जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मतलब नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में रुश्द व हिदायत के जिस सिलसिले को अम्बियाए कराम की बैसत के ज़रिए जारी फरमाया, उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि पस्ती में गिरी हुई इंसानियत को अजमत, उरूज और बुलंदी अता की जाए, उस मकाम पे फाइज किया जाए इंसान को जिसका मकसद बयान किया गया है। हम जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का तस्करा करते हैं कि हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था और उनकी आमद के वक्त हालात क्या थे, तो हमें इस मकसद को समझने में आसानी होती है। ज़रा गौर फरमाइए, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस माशरे का रंग ढंग और माहौल क्या था। लोग जब आपस में गुफ्तगू करते थे तो कोई जुमला बग़ैर झूठी कसम और बग़ैर गाली के ना उसका आगाज़ होता था ना उसका अख्ताम। पड़ोसियों के हकूक़ का किसी को इल्म नहीं था। बात बात पर कत्ल कर देना आम था। धमकियां देना और छोटी छोटी सी बातों पर नस्ल दर नस्ल लड़ाई, ये भी आम थी। ऐसे माशरे में जहां अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसे नफ़रत की नज़र से और नफ़रत की निगाह से देखा जाए और उस बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे माहौल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और तारीख़ की किताबों में लिखा है कि इसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि एक ऐसा माशरा कायम किया जाए कि जिसमें कमज़ोरों के हकूक़ की हिफाजत हो सके, जहां ताकतवर को खौफ होकर उसे जवाब देना पड़ेगा, जहां औरतों को उनके जायज़ हकूक़ हासिल हों, यतीमों के सर पर दस्त शफ़क़त हो, जहां इल्म का बोलबाला हो, जुल्मत का खात्मा हो। और ये तमाम मकासद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने न सिर्फ पूरे किए बल्कि रहती दुनिया तक मुझे, आपको और हम सबको एक ऐसा निज़ाम बना कर दिया जहाँ इंसानों को इंसानी ग़ुलामी से निजात दिलवा कर अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हम जब ये ट्रांसमिशन आपके सामने पेश कर रहे हैं मोहतरम नाज़रीन रहमतुल्लिल आलमीन, तो आज का ये प्रोग्राम और इसका मकसद और इसका मौजू भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासद है और ये इंतहाई अहम और मालूमाती मौजू है। इस पर रहनुमाई के लिए मेरे साथ तीन मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौजूद हैं। तारुफ की तरफ चलते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे आपके हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक और खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले नौजवान स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब हाफिज़ अहमद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन, पुरजोश गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, जनाब मुफ्ती मदनी रज़ा साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तीनों मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाख़्वां क़ारी असद उल हक़ साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला वक्त मुनासिब पर क़ारी साहब से हम कलाम भी सुनेंगे। पहले अपने मौजू की तरफ चलते हैं। मौजू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासद। तो मुफ्ती साहब, ये बताइए कि कुरान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के, उनकी बैसत के क्यों सरकार को मबूस फरमाया गया, इसके मकासद कुरान ने क्या बयान की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहु रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे की तामीर फरमा रहे हैं और काबे की तामीर के दौरान ही आपने अल्लाह के उधर बहुत सारी दुआएँ की, जिन दुआओं को देखिए सूरह इब्राहिम में भी मौजूद है 13वें पारे में और सूरह बकरा पहले पारे के जो आखिरी रुकू हैं उनमें भी आपकी इन दुआओं का जिक्र मौजूद है। वहीं पर आपने यहाँ अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ की कि या अल्लाह इस शहर को बाबरकत शहर बना दें, अमन वाला शहर बना दें, यहाँ पर वर्दुक अहलहु मिन समरात, लोगों के लिए बहुत सारे फल भी यहाँ पर मौजूद हों और यहाँ पर लोग तेरी इबादत के लिए आएँ। वहीं आपने अल्लाह के हुज़ूर एक दुआ भी फरमाई है, वो ये है रब्बना व बअसिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम। यानी आपने दुआ की या अल्लाह जब यहाँ पे अमन भी हो जाए, यहाँ पे लोग आबाद भी हो जाएँ, उन्हें तेरी नेमतें भी मैसर हों, तो सिर्फ यही नहीं कि शहर अमन वाला हो जाए, यहाँ पे मईशत बहुत अच्छी चल रही हो, सारे मामलात बड़े आसान हों, आबादी बहुत ज़्यादा हो जाए, बल्कि यहाँ पर एक काम या अल्लाह और करना वो ये है कि इन लोगों में एक ऐसे नबी को मबऊस फरमाना वाह वाह कि जो यहाँ पर आए और आने के बाद यतलू अलैहिम आयातिका तेरी आयात इन पर तिलावत करे,
इनको तालीम दे, हिकमत सिखाए और वह यज़क्कीहिम, इनको साफ़ और सुथरा भी कर दे। इसका मतलब योगी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में वो कॉन्सेप्ट जो आज हमें नज़र आता है कि भाई माशरा अमन व अमान के साथ होना चाहिए, जब अमन व अमान होगा तो मईशत तरक्की करेगी, जब मईशत तरक्की करेगी तो ज़ाहिर है कि मुल्क का नाम एक रोशन होगा, और फिर जब नाम रोशन होगा तो आने वाली जो जनरेशन है, नई नस्ल है, वो तालीम और तरबियत से आरास्ता हो जाएगी। वाह वाह। तो ये जो सोच व फिक्र आज है हमारे जदीद माशे के अंदर पाई जाती है, इसकी असल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ थी जो आपने बैतुल्लाह की तामीर के मौके पे अल्लाह के हुजूर जो है वो की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम जब इस आबो गिल में तशरीफ़ फरमा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो मौके पर, एक सूरह आले इमरान में और दूसरी सूरह जुमा के अंदर, यही अल्फाज कुछ अलग सीगों के साथ बयान फरमाए। लक़द मन अल्लाह अलल मुमिनीन इत्बाअ रसूल मिन अन्फुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, यहाँ पर भी और सूरह जुमा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान फरमाया कि हमने इस नबी को जो मबऊस फरमाया तो इनकी आमद के चार मकासद बयान फरमाए। पहली है आयात की तिलावत करना, दूसरा है उसकी तालीम देना, तीसरा है हिकमत सिखाना, चौथा है उसका तज़किया करना। इन्हीं चारों बातों को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरातीब के साथ कुरान पाक में बयान फरमाया गया। तो हमें नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की आमद के जो इब्तिदाई मकासद समझ में आते हैं उनमें जो कुरान ने बयान फरमाया वो सबसे पहले ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की आयात की तिलावत उन पर करना, यत्तलू अलैहिम आयातिही, कि यत्तलू अलैहिम आयाति का दोनों जगह पे जो बयान फरमाया गया कि आयात की तिलावत करना, इसका मतलब है कि आयात की तिलावत का एक मकसद होगा। हाँ। बगैर ऐसे बेमकसद तो आयात तिलावत नहीं की जाएंगी। और वो मकसद क्या है? मकसद ये हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, यानी अल्लाह के दीन को नाफिज कर देना, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तकमील कर देना। और तकमील अल्लाह के दीन की कब होगी? जब तौहीद और रिसालत का पैगाम दिया जाएगा। जब तक के तौहीद नहीं है आयात की तिलावत बेमाना है, जब तक के तौहीद और रिसालत का पैगाम दुरुस्त पर नहीं पहुंच रहा तो अव्वलन अल्लाह के जितने नबी तशरीफ़ लाए हैं उन सब की आमद का जो एक मकसद था बुनियादी वो ये था कि लोगों को लोगों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी में डाल दिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की तरफ और इस्लाम के दामन से उनको वाबस्ता कर दिया जाए। जाहिर है कि जब आप इस्लाम में आ जाते हैं और ईमान को कबूल कर लेते हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं, फिर अगला मरहला तालीम और तरबियत का शुरू हो जाता है। आप देखिए कि फिर जो अमन व अमान की बात आज दुनिया भर में की जाती है, रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत लिखने वाले पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि हुजूर ने अपनी आमद के ऐलान से कबल, यानी ऐलान नबूवत से कबल, एक मुआहिदे जिसको हिल्फुल फजूल कहा जाता है, उस मुआहिदे के अंदर उन्होंने शिरकत फरमाई थी। उसमें यही था कि हम हर जालिम का हाथ रोकेंगे और मजलूम की मदद करेंगे। दीगर शिखों के साथ ये था और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस मुआहिदे पे फख्र फरमाया करते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस मुआहिदे के अंदर शामिल था। और अब दूसरा मामला आप देखिए कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने पहुँचे हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान एक मुआखात कायम फरमाई है और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो उस वक्त के यहूदियों से मुआहिदे हैं उन मुआहिदों को आप देख लीजिए और फिर उसके बाद सुलह हुदैबिया को आप देख लीजिए तो पहली बात आपको हुजूर की सीरत में ये नजर आएगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम खातम नबीन यही चाहते हैं कि माशरे के अंदर अमन कायम हो। तमाम इकाइयां अपने अपनी जो इबादत हैं अपने अपने मामलात हैं उनको लेकर चलें मगर एक फरीक किसी दूसरे फरीक को नुकसान ना पहुँचाए। क्या बात है, आज माशरे में इसी पीस की जरूरत है, पीसफुल माहौल कायम होना जरूरी है, जहाँ पे हम रियासत की जिम्मेदारी डालते हैं, जहाँ पे हम हुकूमत की जिम्मेदारी डालते हैं कि उनकी जिम्मेदारी अमन अमान कायम करना, तो फिर बहैसियत एक उम्मती के मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी है अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने इलाके में, ताकि लोग अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद फिर मईशत आ जाती है, उसके बाद फिर तालीम व तरबियत का मामला आ जाता है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तब जाकर हम अच्छी टीम जो है लोगों को दे पाएंगे और हमारा माशा तरक्की करेगा। तो बेहसत रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो बुनियादी मकासद हैं उनमें इन चार मकासद को अल्लाह ने कुरान पाक में इब्तदाई तौर पर बयान फरमाया। बहुत खूब। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताएँ कि अल्लाह के दीन या अल्लाह के निज़ाम का क़याम जो है वो सबसे ज़्यादा अव्वलीन मकसद रहा है अंबिया कराम को मबूस फरमाने का या उनकी तालीमात का, तो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत इन सबसे ज़्यादा मुनफरिद कैसे है, उसे किस तरह से इम्तियाजी और इनफरादी हैसियत हासिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि
आज जो हम मौजू डिस्कस करें ना अम्बिया की बेइज्जत के मकासद, तो इसके पीछे भी एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि जब हम अम्बिया की बेइज्जत के मकासद को जानेंगे तो उससे हमें अम्बिया का जो अम्बिया की जो शान है, उनकी जो अजमत है, जो फजीलत है, वो मालूम होगी कितनी अजीम हस्तियाँ हैं। ना हम उन जैसे हैं ना वो हमारे जैसे हैं। तो ये कह देना कि हम उन जैसे या वो हमारे जैसे बिल्कुल गलत है, या ये माइंड सेट बना लेना कि हम वो अभी वो भी हमारी तरह थे तो हम उनके कोई खाके वगैरह बना ले, तो नहीं, हम इक्वल नहीं है, वो बहुत मुनफरिद शान के लोग थे। और दूसरा कि जब हम अंबिया की बेइज्जत के मकासद को जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंबिया का रास्ता क्या, अंबिया का तरीके कार क्या है, तो उस पर हमारे लिए चलना आसान होगा, अल्लाह से मिलना हमारे लिए आसान होगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि अंबिया का मकसद है कि ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को नाफिस करना, और नबी करीम अलैहिस्सलाम भी ज़ाहिर इसी मकसद से तशरीफ ले, लेकिन ये मुनफरिद कैसे है? तो शबीर भाई, कुरान पाक जैसे बताता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि जितने भी अंबिया आए हमने सबकी तरफ यही वही की कि उन्होंने क्या करना है, अल्लाह की इबादत का लोगों को पैगाम देना है। तो जितने भी अंबिया आए सब ने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया। जैसे मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत जुमला बयान किया कि बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में दे दिया। अब हुजूर अली सलातुस्सलाम की जो दावत है वो मुनफरिद कैसे है? वो मुनफरिद ऐसे है कि नबी करीम अली सलातुस्सलाम किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए नहीं, किसी ख़ास नेशन, किसी ख़ास कौम की तरफ नबी बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि आलमीन की तरफ और कयामत तक के लिए आप नबी बनाकर भेजे गए, पहली बात। दूसरी बात, नबी करीम अली सलातुस्सलाम इंसानों के साथ साथ जिनों को भी जिनों के लिए भी नबी बनाकर भेजे गए। तो आपकी जो दावत और तबलीग का जो दायरा कार है वो वसी है, यानी अम्बिया किराम ने जो काम शुरू किया नबी करीम अली सलाम ने उस काम को इतमाम तक पहुँचाया, तकमील कामिल उसको किया कि जिनों को भी आपने जो है वो दावत और तबलीग जो है वो फरमाई। एक और अहम बात कि हम देखते हैं हज़रत आदम अली सलाम आए, हज़रत आदम अलैहि सलाम की जो तालीमात थी ना उसमें ज़ाहिर वहदानियत थी, रिसालत, आखिरत, इसका तसव्वुर था, अखलाकी मामलात थे, लेकिन जो शरीयत की जो तालीम है वो नूह अलैहि सलाम से उसका आगाज़ हुआ, वो पहले रसूल थे, ठीक है? और फिर हम देखते हैं कि ये सिलसिला आगे जो है वो चलता चला जाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब बेइज्जत होती है तो आप खातमुन नबीयीन बनाए जाते हैं, और अल्लाह ताला आपके बारे में फरमाता है, दीन के बारे में फरमाता है, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने दीन को कामिल कर दिया। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का जो निज़ाम लोगों को दिया उसमें अकायद भी हैं, उसमें इबादात भी हैं, उसमें मामलात भी हैं, उसमें अखलाकियात भी हैं, यानी ज़िंदगी गुजारने का कोई भी शोबा हो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी टीचिंग्स, उसकी तालीमात लोगों तक पहुंचा दी। तो इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की जो बेइज्जत है वो दीगर अंबिया से मुनफरिद है, यकता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के हर शोबे से मुतालिक रहनुमाई फराहम कर दी, और सिर्फ किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए, और किसी ख़ास कौम के लिए नहीं बल्कि हर एक कौम के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तालीमात फराहम कर दी। क्या बात है। अच्छा मदरी साहब, ये बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत मुबारका है ये इखलाक या इखलाकियात के लिए कितना बड़ा नमूना, यानी किस तरह से अखलाक हसना ने, सरकार के अखलाक हसना ने इनकी बेइज्जत के बाद लोगों की ज़बान को, उनके अंदाज़ गुफ्तगू को, उनके रहन सहन को, बर्दाश्त को, तहम्मुल को, इस सारे मामलों को तब्दील कर दिया और ऐसा बना दिया जैसे सरकार की तालीमात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाकियात को बयान फरमाया, तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मशहूर आयत है कि इन्ना का लाला खुलूकिन अज़ीम, के महबूब हमने आपको अखलाक अज़ीमा पर फ़ायज़ किया। और हम ये सुनते हैं कि सीदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बारे में ये बयान फरमाया कि काना खुलूकुहुल कुरान, के सरकार अलैहिस्सलाम के जितने भी अखलाकियात हैं वो कुरान ही हैं, यानी कुरान की जो वाज़ आयात हैं, कुरान में जो एक थ्योरी बयान की गई है उसकी प्रैक्टिकल सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। और ख़ुद सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी बेइज्जत का जो मकसद बयान फरमाया वो फरमाया कि बोइस्तु ली उतम्मिम मकारिम अल-अख़लाक, कि मैं इसलिए मबऊस किया गया हूँ कि अखलाकियात के जितने दराजात हैं उनको मुकम्मल कर दूँ। इसका मतलब ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में हमें ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जितनी अखलाकियात की ज़रूरत है, जिस कदर ज़रूरत है, जिस दर्जे पर ज़रूरत है, वो तमाम के तमाम हमें वहाँ पर नज़र आएंगी। अब अगर हम देखते हैं कि इबादात में अखलाकियात क्या होनी चाहिए, अकायद में अखलाकियात क्या होनी चाहिए, मामलात में अखलाकियात क्या होनी चाहिए,
तो सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम ने हर एक के बारे में हमें अखलाकियात अता फरमा दी। इबादत के अंदर एतदाल किस अंदाज से करना है, फिर आप इनफरादी इबादत कर रहे हैं, इज्तमाई इबादत कर रहे हैं, मेरे आका अलैहि सलाम ने ये भी बता दिया। इसका मतलब अब मैं अगर उसके ऊपर मिसालें दूँ तो सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम जब आपने देखा कि कुछ सहाबा ने इबादत के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करी, जैसे सौम विसाल रखा, तो सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम ने उससे मना फरमा दिया कि तुम ये नहीं रख सकते सौम विसाल। क्यों? क्योंकि ये वो अफराद तैयार हो रहे थे जो आगे रोल मॉडल बनने। तो इबादत के अंदर अगर कोई हद से ज़्यादा एतदाल से गुजर कर इबादत को इस अंदाज से इख्तियार करे कि जो बोझ महसूस हो रही हो, वो तबीयत बोझल हो रही हो, तो फिर वो इबादत काबिल कबूल नहीं हो पाती, उसके अंदर वो इखलास, वो ज़ौक व शौक नहीं रहता। और ख़ुद सरकार अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र गुज़ार हूँ, लेकिन मैं रात में आराम भी करता हूँ और इबादत भी करता हूँ। क्या बात। रोज़ा भी करता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। तो हमें इबादत का भी तरीका सिखा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि सहाबा कराम ने भी जब दीन की दावत दी, इबादत के मामलों को इख्तियार किया, तो बहुत एतदाल के साथ किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से किसी ने अर्ज़ की कि हुज़ूर आप जो है वो हफ़्ते में एक दिन जो है दरस कुरान देते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि आप रोज़ाना दरस कुरान दिया करें। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर मैं रोज़ाना दरस कुरान दूंगा तो तुम जो है वो मलाल में मुब्तला हो जाओगे। अच्छा। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल करके दिखाया कि इबादत में, दीन के मामलात के अंदर आपने एतदाल से ज़िंदगी गुजारनी है। तो सहाबा कराम ने उसको अडॉप्ट किया और ये फिर एक माशरे के अंदर इनकलाबी हैसियत के तौर पर रोनुमा हुआ। बहुत खूब। दूसरी बात अगर हम देखें कि इबादत के बाद अकायद के अंदर एतदाल, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर भी सहाबा कराम को एतदाल अता फरमाया और ये बता दिया कि जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास हैं, वो चीज़ें किसी और मखलूक के लिए हम इस्तेमाल या किसी और मखलूक के लिए वो रवैया इख्तियार नहीं किया जा सकता। जैसे सजदा ताज़ीमी जो है, इसके अंदर हम देखें तो दो पहलू अगरचे मौजूद हैं, लेकिन सजदा जो है वो एक मखलूक दूसरी मखलूक के मुकाबले में करे तो इसके अंदर थोड़ा सा तजल्लुल का पहलू पाया जाता है। तो अगरचे पिछली शरीयतों में इसकी इजाज़त थी, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने हमें यहाँ पे एतदाल अता फरमा दिया कि मखलूक को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो दूसरी मखलूक को सजदा करे। अच्छा। इसी तरह फिर आप देखें, आप मामलात के अंदर देखें, मिसाल के तौर पर अब सरकार अलैहिस्सलाम ने जो मामलात का अंदाज़ हमें सिखाया, तो उसमें झूठ से बचने को मना फरमाया, धोखा देने से मना फरमाया। जैसे मिसाल के तौर पर सरकार अलैहिस्सलाम एक मरतबा किसी बाज़ार से गुजरे तो वहाँ पर जो है ना वो सरकार अलैहिस्सलाम ने गले के अंदर हाथ डाला। अच्छा। तो वहाँ पर सरकार अलैहिस्सलाम को कुछ तरी महसूस हुई जब हाथ अंदर डाला, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तरी कैसी है, तो उन्होंने कहा कि कुछ तरी आ गई थी इस गले के ऊपर बारिश वगैरह की वजह से, तो मैंने फिर जो है वो उसको ऐसे ही रहने दिया। तो वहाँ पर सरकार अलैहिस्सलाम तालीम फरमा रहे हैं कि तुम इस गले का जो पानी है उसको ऊपर की जानिब रखो ताकि आने वाला ये देख ले कि इस गले के अंदर अगर कोई ख़राबी है तो उस खराबी पर मुत्तले होकर फिर अगर वो तुमसे ख़रीद रहे तो कोई हरज की बात, खराबी को छुपाया ना जाए, खराबी को छुपाया ना जाए। ये नहीं कहा कि खराबी वाला बेचो नहीं, बल्कि ये फरमाया कि खराबी वाला माल बताकर बेचो। सही। तो ये सरकार अलैहिस्सलाम ने हमें ज़िंदगी में जो तर्ज ज़िंदगी है उसके बारे में बता दिया। यानी सरकार की बैसत से पहले जो हालात थे, सरकार ने आकर उन हालात को तब्दील तो किया, अल्लाह की तरफ सबको माइल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी एक शरीयत नाफिस की जिसमें एतदाल, अखलाकियात, मामलात के अंदर किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है, ये भी सिखा कर गए, ये भी सिखा कर गए, एक एक शोबे के बारे में सिखा कर गए। क्या बात। तो ये सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर हमें अखलाकियात का दर्स दिया, जिसकी बदौलत हम देखते हैं कि एक ऐसा अजीम इनकलाब बरपा हुआ कि एक अरब से उठने वाली दावत पूरी दुनिया में फैल गई। बहुत खूब। मौजूद है हमारे साथ वतन अजीज पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत सनाखा कारी असदुल हक साहब, और जब महफिल हो रहमतुल आलमीन के नाम से और बज़म सजी उलमाए कराम की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ गोशों पे गुफ्तगू हो रही हो, तो इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि हम खुशल हान हमारे साथ ही मौजूद हों, कलाम ना सुने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुमाने नफ्स जगानी ये फूल खार से दूर है, ये शम्मा है के धुआं नहीं, ये फूल खार से दूर है।
बात। मैंने सार तेरे कलाम पर खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पी टी वी से आप देख रहे हैं माह रबीउल अव्वल शरीफ की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन। और अब वक्त हुआ है मुकर्ररीन का। जी हाँ, नौजवान मुकर्ररीन आपके सामने आएंगे और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल मंसूब और एक खूबसूरत मौजू पर खूबसूरत तकरीर फरमाएंगे। आज भी हमने इनको एक मौजू दिया है और नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम अपने इस सेगमेंट में ऐसे मौजूआत का इंतखाब करते हैं जो शोरा इकराम के मशहूर कलाम से लिए हुए होते हैं।
आज का मिसरा है क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते। तीन मुकर्ररीन हमारे सामने हैं, ज़ैनब गयास, हिना हसन चन्ना और मुतीउर रहमान। तो सबसे पहले तशरीफ़ लाती हैं ज़ैनब गयास। मौजू है क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते। इंतहाए फ़िक्र व दानिश है यही, इब्तिदा करती हूँ तेरे नाम से, बादब कहता है ये कल्बे सलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला, जब चहार सू कुफ्र शिर्क का आलम था, हर तरफ घटा टोप अंधेरा था, तहजीब उस मकाम को पहुँच चुकी थी कि हया शर्म से मुंह छुपा ले, अखलाक निदामत से सर झुका ले, रूहे लज्जत इरफान से बेबहरा, आँखें नूरे हया से महरूम, दिल जज्बा गैरत से आरी, कानवाज़ हक से नामानूस, इंसानों की तजलील इंसानों के हाथ, के यकायक रब्बे काबा की शान रहमत जोश में आती है, एक नूर वाला नूर लेकर कायनात के जर्रे जर्रे को चमकाने आता है और ऐलान होता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और आपको तमाम जहनों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जनाबे वाला, आप मौलम बनकर आए तो लोगों को आगाही मिली, गमख्वार बनकर आए तो फ़कीरों को मलजा मिला, बशर बनकर आए तो इंसानियत को जीने का शऊर आया, बेटियों के लिए रहमत बनकर आए और फिर इश्क मोहम्मदी सर चढ़ कर बोला कि ये इश्क मोहम्मदी ही तो है, कि सिद्दीक अकबर ने कहा कि घरवालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल काफ़ी हैं, कि ये इश्क मोहम्मदी ही तो है कि जिसने सांप का डसा भी बर्दाश्त किया, ये इश्क मोहम्मदी ही तो है, ये इश्क मोहम्मदी ही है कि जिसने सांप का डसा भी बर्दाश्त किया, ये इश्क मोहम्मदी ही है कि हबशा के गुलाम हज़रत बिलाल ने तपती रेत पर भी हक की सदा बुलंद की, ये इश्क मोहम्मदी ही है कि अम्मार बिन यासिर ने कुफ़ार के जुल्म सितम सह कर भी उफ ना किया, ये इश्क मोहम्मदी ही है कि उमर बिन ख़त्ताब ने 22 लाख मुरबा मील इस्लाम पर झंडा गाड़ा लेकिन उफ ना किया, और इस्लाम का झंडा गार के निज़ाम अदल कायम किया, कि आज फिर इंसानियत हमसे तकाजा कर रही है कि हम इश्के मोहम्मदी से सरशार इस पुरफितन दौर में काफ़िला मोहम्मदी के सालार बन जाएं, हमारे कल्बो जिगर में तालीमात मोहम्मदी और इश्के मोहम्मदी का सोजो गदाज रहे, कि हम खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और टीपू सुल्तान बनकर पस्त को बाला कर दें, कि हम इश्के मोहम्मदी में खुलूस नियत और इस्तबदाद के साथ इस सफ़र में आगे बढ़ें। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दें, इसमें मोहम्मद से उजाला करते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी मुफ्ती इसहाक साहब, मेरे ख्याल में तकरीर मुकम्मल होती तो हमें बताना आसान होता, आगे देखते हैं बाकी दो कंसेंट्री क्या करते हैं हमारे। ठीक हो गया। तो तशरीफ़ लाती हैं हिना हसन चन्ना। मौजू आपका भी वही है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते। इश्क कोई जज्बा नहीं कि मोहम्मद से हो तो हर पस्ती को धकेल कर मकाम उरूज अता कर देती है सदर अली वकार, जब दिल के नेहा खानों में इश्के मुस्तफ़ा को भरा जाए तो ऐसी रानाइयाँ झोली में आके गिरती हैं जिसकी तलाश हर इंसान को रोज़े अव्वल से होती है। जी हाँ, ये वही कामिल मोहब्बत है जो बशर को उस कुव्वत से सरफराज कराती है, जिसका सहारा लेकर जुल्मत शब में एक रोशन शहर बनकर उभरता है और वक्त के फिरौनों को दंकाल कर यह ऐलान करता है कि सदर अली वकार, आज से 1400 साल कबल अरब की सरजमी पर इसी कुव्वत इश्क ने अपने जलवे बिखेरे तो लहू बहाने वाले अम के सफ़ीर बने और अमीरुल मोमिनीन के दर्जे पर फ़ाइज़ हुए। इसी कुव्वत इश्क का सहारा लेकर काफिरों के हुजूम में अबू बकर ने रहमतुल आलमीन के मौज़े की गवाही देकर सिद्दीक़ का लकब हासिल किया। इसी कुव्वत इश्क से उमर फारूक ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया। यही कुव्वत इश्क था जिसने हज़रत उस्मान को दौलत से बेनियाज कर गनी कर दिया, और यही कुव्वत इश्क जब अली इब्ने अबी तालिब के दिल में आया तो दार खैबर को दो उंगलियों से उखाड़ दिया गया। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में इसी कुव्वत इश्क के जरिए सजदे में शहादत कबूल की और मजलूमों को हर पद से बाला कर दिया। सदर अली वकार, यही कुव्वत इश्क था कि जिससे सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त से दोचार किया और तारिक बिन ज़ियाद ने उंदलुस के साहिल पर कश्तियां जलाकर जिक्र इलाही का बोल बाला किया। अलगर्ज़ इकबाल ने भी इसी की बुनियाद रखी और हम सबको यह पैगाम दिया कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सदर अली वकार, मगर आज भी फिदाए मिल्लत को
ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है कि जो अपने अंदर इश्क हकीकी की आग को जलाकर लहू लहान गजा को आज़ाद करवा सकें। जी हाँ, उठो मोहम्मदी, उठो कि उम्मत है मोहम्मदी के नौजवानों, उठो कि अब वो वक्त आ गया है कि अपनी कुव्वत इश्क को बेदार करो और हर हर कुफ हर बातिल को इससे निजात दिलाओ। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तशरीफ़ लाते हैं मुतीउर रहमान, आपका भी मौजू यकीनन यही है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। मोहब्बत तड़पना और इम्तिहान मांगती है सदर अली वकार, सानी हसनैन कहलाने और फुस्त व रब्बल काबा का नारा लगाने के लिए इश्को मोहब्बत का पास होना ज़रूरी है। सो जब कभी कोई इस इश्क लाजवाल के इम्तिहान में कामयाब हुआ और मोहब्बत व फनाइयत में गुमनाम हुआ तो फिर वो फर्श खाक से उठकर औजे सुरैया की बुलंदियों पर जा पहुंचा। इसी कुव्वत इश्क से तारीख गोशों में पड़े गुमनाम हीरे ऐसे तराशे गए कि उनकी चमक और दमक पूरी दुनिया में फैल गई कि अरब के रेगजारों में बकरियों को चराने वाला एक गुमनाम फ़र्द जब इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल होते हैं तो फिर वो आसमान इल्म और सियासत के एक आफ्ताब मुनव्वर हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब साबित होते हैं। जब अफ्रीका के सियाफाम ग़ुलाम हज़रत बिलाल हबशी इश्क मुस्तफ़ा को अपनाते हैं तो उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। इसी कुव्वत इश्क की बिना पर इमाम अहमद इब्न हम्बल हाकिम वक्त के सामने कलमा हक बुलंद करते हैं। अलगर सदर अली वक्कार इश्क मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से जो भी माला माल हुआ वो बुलंदियों के आला मरातिब पर फायज हुआ। फिर चाहे वो इस्लाम की शम्मा जलाते मुजद्दिद अल्फ़सानी हो या फिर शाह वलीउल्लाह बर्रे सगीर में तहरीक आज़ादी के दौरान मुसलमानान बर्रे सगीर को झंझोड़ते शायर मशरक अल्लामा इकबाल हो या फिर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अलगर्ज इस काफ़िले के हर फर्द की यही सदा थी कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। इस्मे मोहम्मद तो उजालों का मंबा है सदर अली वक्कार, कि जिससे फूटती किरणें चहार दंगे आलम को मुज़य्यन व मुनव्वर कर रही हैं। सो आज भी अगर हमें पस्ती से उरूज तक का सफ़र मतलूब हो तो हमें इश्क मुस्तफ़ा और विरद मुस्तफ़ा को लाजिम पकड़ना होगा। अगर आज हम दरपेश मसाइल का हल चाहते हैं तो हमें अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाज़िरी देनी होगी। हमें मगरिब से कानून की भीख मांगने के बजाय नबी के चौकट पर हाज़िरी देनी होगी कि दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरी झलक एक नूरी ढलक, वाह वाह वाह, तलखो तारीक है जिंदगी या नबी, तलखो तारीक है जिंदगी या नबी। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहते हैं हजरत तीनों के बारे में, हमारी दो बहनें ज़ैनब गयास, हिना हसन चन्ना और भाई मुतीउर रहमान। देखिए जब कंपटीशन होता है या स्पीच होती है तो एक एक लफ्ज़, एक एक हरकत, एक एक लहजा आपका बोलता है और उस मुकाबले में इन चीज़ों को देखा जाता है। तो मेरे ख्याल में जो इब्तदाई दो हमारी मुकर्ररा थी दोनों, उन्होंने शायद कंटेंट पे काम करने के साथ लफाजी पे ज़्यादा काम किया और एक्सप्रेशन लेस मतलब चीज़ें हुई। पहली तो ज़्यादा बेहतर हो जाती अगर कम्प्लीट कर लेती, सेकेंड में थोड़ी सी कमी नज़र आई, थर्ड वाला जो बच्चा है इसने माशाल्लाह काफ़ी बेहतर किया। जी हाफिज़ साहब जी, कंटेंट डिलीवरी और सारी चीज़ों के एतबार से जो मुती और रहमान थे वो आज फाइक रहे, गो के तीनों मुकर्रीन में एक जो कमी रही वो ये कि कुछ ना कुछ याददाश्त का मसला रहा, कुछ ना कुछ भूले ज़रूर तीनों कहीं ना कहीं, लेकिन निस्बतन मुती और रहमान ने हर हर एतबार से माशाल्लाह अच्छी तकरीर पेश की। जी यही है कि जो मुती और रहमान ने जो तकरीर की है उसके अंदर कॉन्टेंट भी अच्छा था और फिर इसके बाद जो हमारी चन्ना साहिबा थी उनका जो था वो सो रहा लेकिन वो भूली नहीं और आखिर तक पहुंची। एक और चीज़ ये होती है कि उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने वक्त से पहले ख़त्म कर दिया, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका जो वक्त है ना
उससे आगे भी ना जाएं और उससे पहले भी ना जाएं। मवाद इतना होना चाहिए कि पूरे वक्त को कवर करें। ठीक, तो वो बहरहाल फिर भी वो सेकंड इस एतबार से कि उन्होंने कंटेंट अपना आखिर तक पहुंचाया। सही, और जो हमारी थीम वो भूल गई तो वो बहरहाल ठीक है। हमारी इस नशरियात का नाम है रहमतुलिल आलमीन, और ये जो सेगमेंट है ये फन खिताबत का सेगमेंट है, लेकिन इसमें शिरकत करना ही बहुत बड़ी सआदत है। आपको शिरकत करके ये सआदत भी तो हासिल करनी है कि आप हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मुत्तसिल या मंसूब आप किसी मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसका एक जुमला मकबूल है यह हम में से कोई नहीं जानता। यहाँ हम जो मुकाबला कर रहे हैं वो फ़न का मुकाबला है, और आप में से जिसको पहली पोजीशन नहीं मिलती या दूसरी नहीं मिलती या तीसरी नहीं मिलती या कोई भी नहीं मिलती या किसी एक को मिलती है बाकी को नहीं मिलती, वो ये ना समझें कि आपके सफ़र का यहाँ इख्तिताम हो गया। इस सेगमेंट में या इस नशरियात में या इस हमारे एपिसोड में आपके सफ़र का इख्तिताम ज़रूर हुआ है, लेकिन फ़न खिताबत में आपका सफ़र जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो जजेस की जो राय है और फैसला है उसकी रोशनी में आज जो कामयाब करार पाए हैं वो हैं मुत्तिर रहमान आप, आपको मुबारक हो, और क्राउन फूड्स की जानिब से एक गिफ्ट हैंपर आपको दिया जाएगा। एक बार फिर कहूँगा आप तीनों का यहाँ आना आपके लिए सआदत है, आपको आने पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं PTV से माह रबीउल अव्वल शरीफ की खसूसी नशरियात रहमतुलिल आलमीन। आज का हमारा मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासिद। मुफ्ती इसहाक साहब, एक है नेकी का रास्ता, एक है बदी का रास्ता। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासिद में यकीनन सबसे बड़ा मकसद यही था कि कौम को, मिल्लत को, उम्मत को बदी से दूर किया जाए और नेकी की तरफ रागिब किया जाए। किस तरह हम कह सकते हैं कि इस मकसद को मैंने, आपने, इस उम्मत ने, पिछली उम्मत ने, पिछले अदवार के लोगों ने या आने वाले इसको कैच करेंगे और हम नेकी के करीब और बदी से दूर होते जाएंगे? देखें, उम्मत को एक फरीज़ा दिया गया, अमर बिल मारूफ व नहय अनिल मुनकर। ये फरीज़ा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल हज़रत अंबिया कराम और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो बहुत बड़े इनामात हैं उनमें कुंतुम खैरा उम्मा के अल्फाज के साथ आगे बयान फरमाया गया कि तुम में सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि तुम नेकी के तलकीन करते हो और बुराई से रोकते हो। और सूरह असर को अगर आप देख लीजिए तो वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, तमाम इंसान खसारे में चले गए। देखिए फिर इस्तिस्ना किया गया इल्लल्लज़ीन आमनु व आमिलुस सालिहात, ईमान के साथ नेक आमाल व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, हक की तलकीन और सब्र की वसीयत। तो ये दो चीज़ें हमें बताती हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर कम अज़ कम इतनी इंसानियत को अपना लेना चाहिए, इतना इख्तियार उसे मिल जाना चाहिए, इतनी अकल और शऊर उसका बेदार हो जाना चाहिए कि वो बुराई और भलाई में तमीज़ कर सके। ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ये उम्मत के लिए बयान फरमाया तीन दर्जे बयान फरमा दिए गए कि अगर मन रहा मुनकिरन, अगर तू बुराई को देखता है तो अब तेरे पास तीन दर्जे हैं। पहला ये कि अपने हाथ से उसको रोक दे, ये रियासत का काम है, मेरा आपका काम नहीं है, अपने हाथ से रोकना। हाँ, अगर एक बाप घर के अंदर है तो वो अपनी औलाद के पर या एक शोहर अपनी बीवी पर जो ताकतवर कहीं भी मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने निचले अफराद को ताकत से रोके, हाथ से रोके। और ये नहीं, दूसरा दर्जा बयान फरमाया गया जबान से मना करे, और जबान से तबलीग ये हर एक की जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ तक बात पहुँच सकती है वहाँ पर जिम्मेदारी है कि वो कम अज़ कम बुराई को अगर अपनी ताकत के ज़रिए रोक नहीं सकता तो कम अज़ कम अपनी ज़बान से उस बुराई को बुरा तो कहे,
लेकिन अगर आप देखिए कि ये दर्जा भी मफकूद हो गया, ये दर्जा भी ख़त्म हो गया, तो तीसरा दर्जा जिसे कमज़ोर ईमान की अलामत करार दिया गया, चल कुछ ना कर तो हाथ से नहीं रोक सकता, जबान से मना नहीं कर सकता, कम अज़ कम उस बुराई को बुराई तो जान ले, दिल में तो बुरा जान ले। अब ये तीन दर्जे हुज़ूर ने बयान फरमाया। अब हुज़ूर की सारी सीरत मुबारक देखिए और नबी मुकर्रम अलैहि वसल्लम ने जिन अफराद की तरबियत की और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की ज़िंदगी को देखी है, जहाँ पर उन्होंने बुराई देखी अपनी अपने हाथ से रोका, अपनी ज़बान से मना किया, दिल में बुरा जानने तो आम लोगों का दर्जा था, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, उस पर अमल दरामद किया कि जहाँ पर इस काम को करना था। दूसरे देखिए नबी मुकर्रम अलैहि वसल्लम ने ख़ुद क्या बयान फरमाया, खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पर हुज़ूर ने जो सूद के एतबार से इबहाम लोगों में मौजूद था, हुज़ूर ने सबको मना फरमा दिया। और हदीस शरीफ में बैठे सून लेने वाला, देने वाला, उसके गवाह बनने वाला वगैरह वगैरह, उन सब पर चार अफराद पर लानत फरमा दी गई। हर उस शख्स पर अल्लाह के रसूल का ये एहसान है कि अल्लाह के रसूल ने जिसको ग़ुलामी से आज़ाद किया उसको चाहिए अपने नबी की आमद की खुशी मनाए। जिस बेटी को अल्लाह के रसूल ने रहमत बनाया, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जिस माँ को इज़्ज़त अता फरमाई, जिस बहन को भाई के लिए एज़ाज़ की बात बयान फरमाया, तो उन सब को चाहिए कि मीलाद के मौके पर खुशी का इज़हार करें, क्योंकि ये हुकूक़ किसी और ने हमें नहीं दिए, इस्लाम ने दिए हैं। आज हुकूक़ की जब बात की जाती है तो सबसे बढ़कर अगर कोई हुकूक़ हैं तो वो इस्लाम हमें देता है, चाहे वो शौहर के एतबार से हो, चाहे भाई के एतबार से हो, चाहे बहन बेटी और माँ के एतबार से हो, चाहे बाप के एतबार से हो, या रियासत अपनी रियाय के हुकूक़ के एतबार से बात करें, तो ये सारे हुकूक़ व क़वानीन अगर आप ये देखेंगे तो आपको एक तरफ बदी नज़र आएगी जिसका हुज़ूर ने खात्मा फरमाया, और एक तरफ नेकी नज़र आएगी जो क़ुव्वत इश्क से हर पस को बाला करती हुई नज़र आएगी, और ये सब तोहफ़ा है ज़ात पाक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेइज़्ज़ती का। क्या बात है। अच्छा हाफिज़ साहब, अब ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, जदीद दौर कहा जा रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर कहा जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जितनी ज़्यादा ज़रूरत इस जदीद टेक्नोलॉजी वाले दौर में है, इतनी पहले कहीं नज़र नहीं आती। इसकी अहमियत तो शुरू दिन से ही है, लेकिन आज के जदीद दौर में इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इस पर अमल करके सरकार की बहसत के मकासद पर गौर व खोज करके उसको हासिल करने की कोशिश करके हम इस दौर में किस तरह से तरक्की और फला पा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अंबिया किराम की जो बेइज्जत है, जब हम उसके मकासद को जानते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि अंबिया किराम की शान व अज़मत किस कदर बुलंद व बाला है। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम ये जान चुके कि अंबिया किराम की शान व अज़मत ज़्यादा है, तो यकीनी सी बात है वो हर हर एतबार से मखलूक से अफजल हैं। अब आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला से जो ताल्लुक़ है ना, ये बंदगी की इंतहा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला से बंदे का बहुत मजबूत ताल्लुक होना, अल्लाह की मारिफत मिल जाना, ये बंदगी की इंतहा है, बंदगी का कामिल दर्जा है। और यकीनन अंबिया किराम जो थे वो इस दर्जे पर फाइज थे कि वो कामिल दर्जे पर फाइज थे, लेकिन उसके बावजूद यानी अल्लाह तबारक व तआला से विसाल के शौक के बावजूद अंबिया किराम इस दुनिया में रहे, उनके लिए तो क्या था, उनकी रूह तो हमा वक्त रब तबारक व तआला के कुर्ब चाहती थी, रब तबारक व तआला की तवज्जो चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद अंबिया किराम का इस ज़मीन में रहना, लोगों के दरमियान रहना, जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम भी वक्त विसाल क्या फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, ए अल्लाह रफीक आला, यानी ए अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। यानी वो विसाल की जो आरजू है वो अंबिया किराम हर वक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के दरमियान भी रह रहे हैं। तो इसका इससे मालूम होता है कि इनकी बेइज्जत का मकसद किस कदर बड़ा है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि काजी सनाउल्लाह पानीपति अलैहि रहमान ने एक बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। वो फरमाते हैं कि अगर सिर्फ शरीयत देना मकसूद होता, अगर सिर्फ अहकामात देना मकसूद होता, आज जो आपने बात की ना जदीद दुनिया की, जो जदीद दुनिया में जदीद नज़रियात में अंबिया किराम की तालीमात किस कदर ज़रूरी है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो समझने की बात ये, काजी सनाउल्लाह पानीपति अलैहि रहमा ये फरमा रहे हैं कि अगर सिर्फ शरीयत बताना मकसूद होता, अगर सिर्फ ये बताना मकसूद होता ये ठीक है ये गलत है, अगर सिर्फ इतना ही मकसूद होता तो अल्लाह तबारक व तआला वो काम फरिश्तों के ज़रिए भी करवा देता। और उसकी सबसे बड़ी दलील हदीस जिब्रील है,
کہ حضرت جبریل آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, یہ جبریل تھے جو آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. تو اگر صرف احکامات سکھانا مقصود ہوتا تو وہ فرشتوں کے ذریعے بھی وہ مقصد پورا ہو جاتا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی صحبت میں رہیں اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں, ان کی صحبت سے سیکھیں. تو وہ صحبت کا جو اثر ہے وہ اثر میں جو وہ اصل میں تبدیل کرتا ہے لوگوں کو, وہ اصل میں باطن کا جو صفایا ہے وہ اس سے ہوتا ہے. اور جب ظاہر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, آپ کی آمد ہو چکی, تو اب اس کے بعد نبی نے تو نہیں آنا, تو اب یہ کام کس نے, اب یہ فریضہ کس نے سر انجام دینا ہے؟ اس امت کے اولیاء نے, اس امت کی علماء نے, اس امت کے صلحاء نے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس پیٹرن کو انہوں نے فالو کرنا ہے, اس پیٹرن پر انہوں نے چلنا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین ھدی اللہ, کہ یہ انبیاء ہیں جو اللہ کی ہدایت پر ہیں. فبہداہم اقتدہ, تو اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو, انہی کے راستے کی پیروی کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً تمام انبیاء کے لیے بیان کیا. اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آئی تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, کہ اے لوگوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ آج کے جدید دور میں ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے, کیونکہ اس وقت کے جو حالات تھے, اگر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا جو مطالعہ کرتے ہیں, اس وقت کے جو حالات تھے اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کا آنا اور دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دینا, تو آج کے بھی حالات جو ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہیں. آج جاہلیت جدید صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے, برائیاں جدید صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو جو ٹیکنیک, جو مقصد تھا بعثت کا, جو ٹیکنیکس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دی, جو نظریات انہوں نے دیے, جو تعلیمات انہوں نے دی, آج اگر انہی کو اپنایا جائے تو جس طرح اس جاہلیت کا خاتمہ ہوا تھا, آج کی دور جدید جاہلیت کا بھی خاتمہ ہوگا. بہت خوب, زبردست. اچھا مدنی رضا صاحب, بہت پیاری بات کی, اور اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ حالات, سوچ اور خود ساختہ ثقافت اسی طرز پر دوبارہ آ گئی ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں تھی؟ تو سرکار نے اپنے بعثت کے مقاصد کو جو بیان فرمایا, یا رب تعالیٰ نے جو بعثت کے مقاصد کو فرمایا, اس مقصد کو دوبارہ یاد کرنے کی, ریئلائز کرنے کی, زور دینے کی اور دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یقیناً آج جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا اس کو ہمیں واپس امپلیمنٹ کرنا اور اسی انداز سے, تو یقیناً ہم نہیں کر سکتے کہ وہ تو سرکار علیہ السلام کی طرف سے امپلیمنٹ ہوا, لیکن اس انداز کو دیکھ کر امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج ہر شعبے کے اندر ویسی ہی جاہلیت پائی جا رہی ہے جیسی جاہلیت اس دور کے اندر پائی جاتی تھی. اس دور میں علماء یہود نے اپنی کتابوں کی تاویلات کر کے غلط معنی بیان کر کے قوم کو گمراہ کیا. آج کے دور میں بھی کچھ علماء سو ایسے ہیں کہ جو غلط تعویلات کر کے قرآن کے احکام کو بگاڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ اس دور میں بہت ساری ایسی رسومات تھیں جو نفسانی خواہشات کے تقاضے کے تحت رائج ہوئی تھیں. آج بھی وہی رسومات جاری و ساری ہو رہی ہیں جو نفسانی خواہشات کے تقاضے کے تحت ہے. شادی بیاہ کی رسمیں جو اس دور کے اندر تھیں, کیا ہمارے دور میں ایسی اس انداز سے نہیں پائی جاتی؟ ہمارے دور میں اس انداز سے جو ہے وہ زوجہ کے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا. زمانے جاہلیت میں ویسے ہی ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے وہ شوہر عورتوں کو طلاق دیتے تھے, پھر واپس رجوع کر لیتے تھے, طلاق دیتے تھے, عدت کا ٹائم قریب ہوتا تھا تو رجوع کر لیتے تھے. مقصد کیا تھا؟ بیویوں کو اذیت دینا. ہمارے یہاں پر بیویوں کو طلاق نہ دے کر اس طرح کی اذیت دی جا رہی ہے. نوعیت چینج ہو گئی لیکن کام وہی ہے, مقصد وہی ہے. تو آج کے دور میں تزکیہ نفس بھی اتنا ہی ضروری ہے. آج کے دور میں یہ جو معاشرتی جہالتیں ہیں ان کو بھی دور کرنا اتنا ہی ضروری ہے. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ اس دور کے اندر جو بہت بڑے پیمانے پر تھا وہ یہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت معلومات رکھتا تھا, دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ نالج رکھتا تھا, وہ دینی اعتبار سے بہت بالکل جاہل اور کورا ہوا کرتا تھا. ابو جہل جو ہے وہ ابو الحکم کہلاتا تھا. ابو الحکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر ایک پڑھا لکھا شخص سمجھا جاتا تھا. لیکن اس نے اپنی اس سوچ و فکر کو دین, سوچ و فکر جو محدود تھی اس کو دین پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اس لیے اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آئیں. تو جیسے سرکار علیہ السلام نے امت کو افراد دیے نا, ہیرے افراد, اس طریقے سے ہمارے جو مقتدر علماء ہیں ان کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں اور پیچھے جو ہے وہ ایسے افراد چھوڑ کر جائیں جو قوم کو سنبھال سکیں. بہت خوب, بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, آپ تشریف لائے. قاری صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ سے کلام بھی سنیں گے. مطلب ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رحمت للعالمین, میں آج ہمارا موضوع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد, رب تعالیٰ کا ارشاد جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب اگر میں آپ کو مبعوث نہ فرماتا, اے محبوب
अगर मैं आपको मबूस ना फरमाता तो ये कायनाती तख्लीक ना करता। गोया ये जो पूरी कायनात है, ये जो रंग बू हम देख रहे हैं, ये लहलहाते दरख्त देख रहे हैं, ये पहाड़, ये खूबसूरत दरिया, ये सब कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का सदका है। आज हम जश्न मीलाद तो मना रहे हैं, लेकिन जश्न मीलाद मनाने के साथ साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासद को भी सामने रखना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में मबूस फरमाए गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही ज़माना जाहिलियत दोबारा आ रहा है, सोचों में तो नहीं आ रहा। अपने अतराफ हम देखें, हम अपनी तबीयतों में देखें, अपने अंदाज़े गुफ्तगू में देखें, अपने माशरे में देखें, मईशत में देखें, मुआशरत में देखें, कहीं हम दोबारा से उस ज़माने जाहिलियत की तरफ तो नहीं लौट रहे कि फहाशी आम हो गई, औरियानियत आम हो गई, गुफ्तगू में तुर्श जुमलों का इस्तेमाल आ गया, गालम गलोच आ गई, झूठी कस्में आ गईं, मामलात में दयानतदारी नहीं रही, अमानतदारी नहीं रही। अगर ये सब कुछ है तो फिर जश्न विलादत मनाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि जिसका हम जश्न विलादत मना रहे हैं उन्हें खुश कैसे करेंगे। आज उलमाए कराम के इन खूबसूरत मलफूजात के ज़रिए हमें ये पता चला कि हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासद जो थे उनको सामने रखना ज़रूरी है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत हमें अता की, तो हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार, तालीमात और अहकाम इलाही के निफाज के ज़रिए अपने बैसत के इस अजीम मकसद को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि दम तोड़ती इंसानियत को मेराज अता की, जान के दुश्मनों को बाहम शीर व शकर किया और रहमतों और बरकतों का वो एक ऐसा सिलसिला जारी फरमाया जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए बाइस फ़ख्र रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत को समझने, उसके बैसत के मकासद को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कारी असदुल हक साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे। जी ये कहती थी घर घर मैं जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए। ये कहती थी घर से कह दो के डेरे उठा ले के घर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्मत से कह दो के डेरे रब है बेशक खल
نصیبی لیے عرش لے جن کے قدموں کے بوسے وہ امی لقب